दोस्तों 60 साल के आशिक और 30 साल की मासूका की अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्रेमी भी शादीशुदा है और प्रेमिका भी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर पूर्वांचल की प्राचीन विधा विरह से जुड़े तमाम उन कलाकारों के साक्षात्कार तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं जिस विरह के दिग्गज कलाकारों में शुमार गायक कलाकार का नाम लेने जा रहा हूं, सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे और शर्म से तार तार भी हो जाएंगे। थोड़ा सा उससे पहले कुछ बिरहा के बारे में जान लेते हैं। बिरहा एक ऐसी विधा है जो हमेशा से समाज को जोड़ने का काम करती है, फिर चाहे वह इस बिरहा के माध्यम से बिरहा कवियों ने पति पत्नी के प्रेम को अपने लेखनी में दर्शाया हो, या भाई बहन, माँ बेटे, या फिर देश पर मर मिटने वाले देशभक्तों की अमर कहानियों को बिरहा में पिरोया हो। लेकिन उसी प्राचीन बिरहा विधा को आज एक बिरहा के दिग्गज कलाकार ने शर्मसार किया है, जिसका नाम है सुदय राम यादव, जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू के नाम पर गाली गलौज पर उतर आया था। तब कुछ लोगों ने हमें गलत कहा था तो कुछ लोगों ने सुदय राम यादव को, लेकिन 60 साल के सुदय राम यादव शादीशुदा हैं, उनके बेटे की शादी भी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हो चुके हैं। लेकिन अब खबर निकलकर ये आ रही है और वीडियो में एक दूसरे के गले में फूलों की माला डालते हुए कोई और नहीं बिरहा के दिग्गज कलाकारों में शुमार सुदय राम यादव ही हैं। दरअसल ये मामला भदोही जिले का है। प्रेमिका के पति ने ही थाने में 60 वर्षीय सुदय राम यादव और असरफी देवी की शादी करा दी, जिसको पहले से ही दो बच्चे हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले सुदय राम यादव और प्रेमिका असरफी देवी फरार थे। असरफी देवी के पति केरला में काम कर रहा था, जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का चक्कर बिरहा गायक सुदय राम यादव से चल रहा है, तो दोनों की राजी खुशी थाने में ही शादी संपन्न करा दी गई। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है, जिस बिरहा की कहानी से लोगों को प्रेरणा मिलती है, अब उस बिरहा के अस्तित्व को ही खतरा महसूस होने लगा है। बिरहा के दिग्गज कलाकार के इस कारनामे ने पूरा बिरहा जगत को शर्मसार कर दिया है। अब जल्द ही सुदय राम यादव के परिवार में जाकर उस कहानी के तह तक जाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि 60 साल की उम्र में शादीशुदा सुदय राम को शादी क्यों करनी पड़ी, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके परिवार में उनके बेटों से जल्द ही बात करने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।